Globe News Jharkhand sponsored by CTA Aviation and Hospitality Management. Hi, this is Andrea and you're watching Globe News Jharkhand. Now news in details. Training camp organized for all police of Kulhan. Under the emergency response system in India, training camp for all police officers of Kulhan was organized as SNTI auditorium in Jamshedpur, in which detailed information about unified number 112 was given. The unified number 112 is now being started for all the emergency services across the country, in which the emergencies such as ambulance, police, women and child protection, fire services are always available. So far, different numbers are dialed for each service, but now these services will be available only dialing 112, although the rest of the emergency numbers will be available as before. Ministry of Home Affairs ki taraf se ek 112 डायल नंबर पर जो है कोल्हान के तीनों ज़िले के सभी पदाधिकारी, चाहे वो DYSP स्तर के हों, थाना स्तर के हों, और हमारे जो CCTNS के जो पदाधिकारी हैं, उनका एक ट्रेनिंग यहाँ पर प्रारंभिक चरण का ट्रेनिंग है। ये इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम इन इंडिया का के तहत ये किया जा रहा है। 112 नंबर के माध्यम से मेडिकल सर्विसेज, फायर सर्विसेज, यहाँ तक कि वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी और जो नेचुरल क्लैमिटीज़ से संबंधित जो हैं और पुलिस सर्विसेज, ये सभी को इंटीग्रेट करके एक नंबर पे लाने का है। और ये ठीक वही सिस्टम है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ताकि जनता के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो सुविधाएं हैं, चाहे वो सुरक्षा संबंधी सेवाएं हैं या फिर मेडिकल, या फिर उनको जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। इसीलिए ये ट्रेनिंग है, इसके लिए संवेदनशील किया जा रहा है, और लगातार इस तरह का ट्रेनिंग और भी आगे आने वाले समय में जारी रहेगा। कुल मिला के जो है एक प्रयास है एक गुड गवर्नेंस के तहत पुलिसिंग और अन्य जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उसको जो है एक यूनिफाइड लेवल पे लाने का। देखिए, अन्य पहले से जो व्यवस्थाएं हैं वो रहेंगी, है ना, थाना अपने स्तर पर कार्य करेगा, है ना, जो अन्य व्यवस्थाएं हैं वो रहेंगी। ये वैसे जगह के लिए अभी तत्काल में है कि जहाँ पर, मतलब है कि निश्चित रूप से ये चुनाव के दौरान हम लोगों ने सी विजिल के माध्यम से भी इस तरह की व्यवस्था को देखा था कि लोग अपने सूचनाओं को आदान प्रदान करते थे और उस पर रिस्पॉन्स होता था। तो निश्चित रूप से वो भी धीरे धीरे समय के साथ उसको भी डील किया जाएगा और उसको भी निश्चित रूप से उसको देखा जाएगा। अभी ये है कि 112 नंबर के माध्यम से, चाहे वो जिस विभाग का हो, अगर पुलिस का है तो 100 को चला जाएगा वो कॉल, अगर मेडिकल का है तो वो 108 को चला जाएगा, और अगर 1098 जो है बच्चों से संबंधित है वो, तो इस तरह का मतलब है कि वो डिफरेंट जगह पर जाएगा। लेकिन बट क्या है कि सब एक यूजर को हर एक नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो केवल 112 पर भी लगा देता है तो उसका हर एक काम हो जाएगा। Railway Safety Awareness Campaign. The Railway Protection Force conducted an awareness campaign among the passengers about the safety in Tiludi and Suisad stations of Southeastern Railway. The police gets information during the journey by the railway, taking the victims on the belief of the poison or intoxicating by the Kurani gang members are traveling who are the victim of intoxication. The soldiers launched an awareness campaign among the passengers about all the helpline number 182, which is Railway Protection Force or the RPF. They carried out a mass awareness campaign among the passengers regarding the human trafficking and safety of women and children. In the same campaign, RPF officer also told the passengers to be beware of the poison intoxicated Kurani gang. Also, the passengers were asked not to take any kind of food items like drinking water or any other food or offerings etc. from any unknown person in train or in station. The helpline number is available 24 hours. Hence, after complaining, RPF officers will arrive. 182 पर आप कहीं पर भी हो इस पर कॉल करें। रेलवे सुरक्षा बल के जवान आपकी सहायता के लिए पहुंचेंगे। भारत में किसी भी ट्रेन से आप यात्रा कर रहे हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी कठिनाई हो, तो कृपया कर आप RPF की टोल फ्री नंबर 182 यानी 182 पर कॉल करें। रेलवे सुरक्षा बल सदैव आपकी सेवा में तत्पर। यात्रा के दौरान किसी भी अपरिचित अनजान व्यक्ति के द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की
खाने पीने की वस्तु को ग्रहण ना करें, वो व्यक्ति आपको नशे में लाकर आपके कीमती सामानों को लूट सकता है और आपका टाई में पड़ सकते हैं। याद रखें, रेलवे सुरक्षा बल के टोल फ्री नंबर सिक्योरिटी हेल्पलाइन 182-182, कोई भी परेशानी हो सुरक्षा से संबंधित, आप कृपया कर इस पर कॉल करें, आपको रेलवे सुरक्षा बल के जवान उस स्टेशन में आपकी सहायता के लिए उपलब्ध होंगे। धन्यवाद। ट्रेन व प्लेटफॉर्म में कोई अनजान व्यक्ति से दोस्ती न करें। ट्रेने अथवा प्लेटफॉर्मे आपनी कोनो अपरिचित व्यक्तिर साथे भाव जमाबेन ना। उनका दिया हुआ खाना व पानी न खाए न पिए। अपरिचित व्यक्ति देवा खाबार बा पानीओ ग्रहण करबेन ना। दोस्ती के बहाने वो आपको नशा खिला के व पिला के आपको लूट सकते हैं। बंधुत्वेर सुयोग निये तार देया खाबार खाइए आपनार समस्त किछु लूट करे निते पारे। संदिग्ध व्यक्ति का सूचना तुरंत RPF व GRP को दे। सन्देहजनक व्यक्ति देखले कर्मरत RPF बा GRP के खबर दिन। आपकी यात्रा शुभ मंगलमय हो। आपनादेर यात्रा शुभ होक। पुरानी गिरोह से सावधान, किसी भी अनजान व्यक्ति से खाने पीने का सामान न ले, न ही खाए और न पिए, अन्यथा आप भी नशाखोरी के शिकार हो सकते हैं। यात्रीरा अनुग्रह करे सुनबे, Prisoners of Ghagidi jail getting sick. Prisoners in Ghagidi Central Jail have been stirred up. The outbreak has happened due to the sickness of the prisoners. More than half a dozen prisoners have suddenly fallen ill. Neither the doctor nor the prisoner is willing to speak what this has actually happened. But all the prisoners are upset. At the same time, the sick prisoners have been brought to MGM hospital for treatment. Currently, all these prisoners are being treated in the hospital. According to the sources, all the prisoners are suffering from serious illness, but no one is ready to tell what the disease actually is. Saraikela police arrested two criminals. The Saraikela police intercepted the robbery that took place in Bamni village of Nimdi police station area on July 22nd and arrested the other two criminals who were involved in the incident today and sent them to judicial custody. The police had already sent the five criminals associated with the incident to jail, but the culprits named Saif Ali Khan and Pankaj Verma arrested have been already sent to jail. They were caught by the Gram Bamni mein Abhay Kumar Nath dinank 21/22/19 ko 10 agyat apradhikarni milkar uske ghar mein ghuskar hathiyar ka bhay dikhakar paisa aur जेवरात की लूट लिए गए थे, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कांड का अनुसंधान करते हुए दिनांक 8/9/19 को 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, जिसे जेल भेज दिया गया था। शेष 2 अभियुक्त जिसमें मोहम्मद सैफ अली को गिरफ्तार किया गया, जिसके कन्फेशन के आधार पर लूटे गए जेवरात पंकज वर्मा आदित्यपुर के पास से बरामद किए। ये दोनों अभियुक्तों को लूटे गए जेवरात के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया, जिसे जेल भेजा जा रहा है। शेफ यहीं जुग सलाई का रहने वाला है। इसका क्राइम रिपोर्ट पता कर रहे हैं हम लोग, मिलने पर हम लोग इसको उपलब्ध कराएंगे। दूसरा जेवर का दुकान है आदित्यपुर में, उसी के पास ये जाकर बेचा था और ये रिसीवर है पंकज वर्मा। वुमेन एंड मेन एट स्ट्राइक फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी। On the 50th day of indefinite dharna near Naya Bazar Subhash Chowk, protesters against CAA, NPR and NRC donated 50 units of blood and tried to convey the message in the society that the Muslim community is not only ready to protect the constitution, rather playing a leading role in blood donation, also trying to deliver blood to every needy.
and to save their life at the same dharna venue. The men and women voluntarily donated blood in collaboration with the PMCH Blood Bank. It is worth nothing that the Constitution Safe Forum has started indefinite strike here 50 days ago. A large number of women and men are on continuous strike from Gram Bamni mein Abhay Kumar Nath ke dinank 21/22/2019 ko 10 agyat apradhikarni milkar uske ghar mein ghuskar hathiyar ka bhay dikhakar paisa aur jevarat ki loot liye gaye the, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कांड का अनुसंधान करते हुए दिनांक 8/9/19 को 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, जिसे जेल भेज दिया गया था। शेष 2 अभियुक्त जिसमें मोहम्मद सैफ अली को गिरफ्तार किया गया, जिसके कन्फेशन के आधार पर लूटे गए जेवरात पंकज वर्मा आदित्यपुर के पास से बरामद किया गया। ये दोनों अभियुक्तों को लूटे गए जेवरात के साथ रंगे गिरफ्तार किया गया, जिसे जेल भेजा जा रहा है। शेफ यहीं जुग सलाई का रहने वाला है। इसका क्राइम रिपोर्ट पता कर रहे हैं हम लोग, मिलने पर हम लोग इसको उपलब्ध कराएंगे। दूसरा जेवर का दुकान है आदित्यपुर में, उसी के पास ये जाकर बेचा था और ये रिसीवर है पंकज वर्मा। Mahashivratri preparations have begun. According to the local people, about 20 years ago, an Aghori Baba built all these Shivlingas and he was continuously worshipping here. But a few days ago, he did not know where the Aghori Baba built all these Shivlingas. यहाँ कल क्या कर रहे हैं आप? शिवरात्रि है कल। हाँ, तो अब पूजा पाठ हो रहा है आओ का। तो कितना तैयारी कर रहे हैं? पूरा जनता है गांव का। आप कितने दिन पहले यहाँ आए? 3 महीना। 3 महीना है। हाँ। आए थे तो क्या देखे? कुछ नहीं था, ढाल ढंड माला था। तो फिर उसके बाद? एक बाद हम धीरे धीरे सीमेंट मंगा मंगा के अपना कर रहे हैं। पूजा पाठ करते यहीं रहते हैं? दांत मुंह सूखते हैं, देख रहे काफी करते हैं शिवलिंग का। हाँ, पूजा पाठ देख रहे? रात में हम अपने कोटिंग करें, पूजा वूजा भी आप ही करते हैं। कल किस तरह का पूजा होगा यहाँ पे? झांकी होगा शंकर जी के। क्या नाम है आपका? त्रिलोकी पांडे। Chief Minister of Jharkhand took action. After the news of Divyang from Jamshedpur Potka came on a social media, the Chief Minister of Jharkhand, Mr. Hemant Sorin, took immediate action and ordered Jamshedpur Deputy Commissioner Mr. Ravi Shankar Shukla to report the matter. Block Development Officer Mr. Kapil Kumar went to give a trial bicycle to the Divyangs. Lakhan's family is very worried about not having toilets in the house as well. Also, they face difficulty during rainy seasons. महसूस हो रहा है। आगे और पढ़ेंगे ना आप? हाँ। कितना क्लास में पढ़ते हैं अभी? 5। अच्छा, आगे अभी पढ़ाई जारी रखेंगे और? हाँ, मैट्रिक तक पढ़ेंगे। तो चलो, साइकिल तो मिल गया ना इसका व्हीलचेयर, तो हम लोग का शौचालय थोड़ा जरूरी है। शौचालय अभी बड़ा हो गया ना, तो इसको उठा भी नहीं सकते हैं उतना बड़ा करके, तो इसलिए अभी शौचालय के लिए थोड़ा अपने कुछ मेहनत करें कि हम लोग शौचालय एक तो बना दिए। BJP's new election being done. The process of nomination of anchor mandal presidents of BJP is underway. 35 divisions presidents are being consulted in BJP district office. 3 names for the post of president have been sought from the workers from each division. After this opinion, all the 35 mandal presidents will be announced by the state leadership. For Rai Sumri, senior BJP leader Bal Mukund Sahai have been. Bharatiya Janata Party Jharkhand Pradesh ke netritv mein nirdesh par Dhanbad jile ke mandal adhyakshon ke मनोनयन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है और
जो मंडलों के निर्धारित कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, इस राय शुमारी में वे उस मंडल के अध्यक्ष हेतु तीन तीन नाम देने का काम कर रहे हैं और इस पूरे प्रक्रिया में प्रभारी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रांत के पूर्व महामंत्री श्रीमान बालमुकुंद सहाय जी और आदरणीय प्रणव वर्मा जी पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। धनबाद जिले के 6 विधानसभा के कुल 35 मंडलों के लिए आज मंडल अध्यक्षों के लिए यहाँ पर रायशुमारी हो रही है और कार्यकर्ता तीन तीन नाम देंगे, उसके आधार पर प्रांत के द्वारा मंडल अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। Unemployment is increasing day by day. Unemployment government came to the door where the level of employment have fallen so much that even now educated young men and women who have written degrees are wandering everywhere in desire for job. In view of this, the government of Jharkhand have directed the Department of Labor Planning and Training to organize planning camps in each of the blocks. While filling up the registration form, the district planning officer, Srimati Jyotsna Das, told that in this camp, 1100 offline forms will be filled. All these forms will be done online in the district and its aim is to get more and more benefit from the ongoing schemes of the government. Sir, my name is Manoj Kumar Gauf. What are you doing? I am going to live here. And we have been in the camp here today. क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं सर? इसमें आपका मैट्रिक का मार्कशीट लग रहा है, आधार कार्ड लग रहा है, आप जितना क्वालिफिकेशन के हैं उतना सारा डॉक्यूमेंट्स आपका लग रहा है, बैंक पासबुक लग रहा है, एक फोटो। ये निबंधन क्यों कराया जा रहा है सर? निबंधन जैसे कि अभी हम लोग झारखंड में बेरोजगारी बहुत है तो इसी के विषय में आपका जैसे हो गया कि रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को, कौन से कैंपस सिलेक्शन के द्वारा इसलिए रोजगार देने का, और जो बेरोजगार है उनको सरकार के अनुसार बेरोजगारी भत्ता मिलने का है, इस विषय में आए थे हम लोग। निबंधन शिविर चल रहा है, हम लोग चला रहे हैं हर प्रखंड के, हम लोग निबंधन शिविर कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम निबंधित कर सकें और यहाँ हम लोग ऑफलाइन पहले निबंधन करते हैं, फिर इसको हम अपने ऑफिस में लेकर ऑनलाइन करते हैं ताकि सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उनसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लिया जा रहा है? कोई डॉक्यूमेंट हम नहीं ले रहे, सिर्फ ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म हम लोग फिलअप करवा रहे हैं, ये फॉर्म हम लोग फिलअप करवा रहे हैं, बस इसी को हम लोग ले रहे हैं और कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। क्या नाम हुआ मैडम आपका? क्या नाम हुआ, क्या है आप? जोशना दास, जिला नियोजन पदाधिकारी। Preparations for the Founders' Day. Preparation for the Founders' Day have been started in Jamshedpur. Laborers from Kolkata and all parts of the city are putting their best to make the program of 3rd March in Jamshedpur a best one. The Founders' Day is one of the most renowned program of Jamshedpur, which is held on 3rd March every year. This program will be completed by 3rd March, where total तैयारी हो रहा है फाउंडर्स डे का लेके, इसके लिए हम लोग बाहर से कारीगर सब मंगवाए हैं, कैलकटा ये सब जगह से, बंगाल से। तो फाउंडर्स डे जो होता है ये हमारे 3rd मार्च का बहुत जमशेदपुर के लिए बहुत अच्छा ये होता है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग काम करते हैं तो हम लोग भी प्राउड फील करते हैं। कितने दिन में तैयार हो जाएगा ये? हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 26 तारीख तक हैंड ओवर कर देंगे। कुल कितने के लेबर लगे हैं? लेबर लगभग अभी लगे हैं 44-45 लेबर हैं, 100 लेबर लगे हैं। कुल कितने लेबर हैं? 100 से 150 लेबर हैं अभी, और अभी बढ़ाना पड़ेगा लेबर को क्योंकि टाइम में कंप्लीट करना है। झारखंड के भी हैं कुछ? जमशेदपुर झारखंड से भी है, उड़ीसा से भी है, बंगाल से भी है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? जमशेद मेरा नाम हुआ। पर हमरा जेहेतु जमशेदपुर 100 बचर शहरटा पूर्ण हलो, সেই উপলক্ষে আমরা আমার কোম্পানির পক্ষ থেকে অর্থাৎ বাপন ইলেকট্রিক কোম্পানির পক্ষ থেকে, আমি ওনার কোম্পানির ম্যানেজার হিসেবে সমস্ত জামশেদপুর মানুষদের নাগরিকদের আমি আমার হার্দিক অভিনন্দন এবং নমস্কার জানাচ্ছি। এবছরে আমরা এই জামশেদপুরে জুবলি পার্কে নতুন নতুন আইটেম নিয়ে এসেছি, এই কারণে যেহেতু জামশেদপুরে 100 বছর পূর্ণ হলো এবং টাটা কোম্পানি টিস্কো কোম্পানি এই নতুন নতুন আইটেম আমাদের কাছে চেয়েছেন, তাই এই জামশেদপুর শহরবাসীদের আমরা নতুন নতুন আইটেম এবার দেখাবো। আজ থেকে আমাদের কাজ সম্পূর্ণ শুরু হচ্ছে এবং এই কাজ আমরা আমাদের 25 তারিখ অবধি কমপ্লিট করতে লাগবে, তারপর 25-26 কমপ্লিট করে ফেলবো,
তারপর থেকে আপনারা দেখতে পাবেন 5 তারিখ অবধি। 5 তারিখের পর আমরা 6 তারিখ থেকে সমস্ত লাইট খুলে ফেলব। তাই আপনাদের সবাইকে আমরা আহ্বান করছি, আসুন, দেখে আনন্দ পাবেন। আমরা আপনাদের দেখি আনন্দ পেলে আমরাও আনন্দ পাব। অমল কুমার হালদার, বাপ ফর বাপন ইলেকট্রিক। इस बार जमशेदपुर का 100 साल पूरा हो रहा, किस तरह से आप लोग काम करेंगे? इस साल में हम लोग जमशेदपुर का जो 100 साल पूरा हो रहा है, इसलिए जमशेदपुर वासी को हम लोग हार्दिक अभिनंदन नमस्कार ज्ञापन करते हूँ। इसलिए हम चंदनगर से, वेस्ट बंगाल का चंदनगर हुगली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, नियरेस्ट कलकत्ता, हम लोग इसलिए आया है। इस साल में टाटा कंपनी किसको मांगा है नया नया आइटम, इसलिए जे जमशेदपुर का आज पूरा 1 साल पूरा हो गया, इसलिए नया नया आइटम हम लोग 100 साल पूरा है, इसलिए हम नया नया आइटम भी लेके आया। इसलिए ले आया जे आज जमशेदपुर का जे 100 साल पूरा होगा, इसलिए मन आनंद के लिए जमशेदपुर वासी को नया नया आइटम दिखाने हम लोग दिखाने चाहते हैं। कितना मजदूर है, कितना दिन तक कम्प्लीट करेंगे? हम लोग का अभी मेरे पास 35 मजदूर है, वो लोग बहुत मेहनत भी करते हैं, खूब अच्छा कारीगर भी है। कितना दिन में चालू होगा, आज से शुरू होगा? काम चालू हो जाएगा आपका 27-28 के अंदर चालू हो जाएगा, 25-26 को हमको कंप्लीट करना है। और आपको लोग 5 तारीख तक ये लाइट बिजली सब देखने सकेगा, 6 तारीख से खुला शुरू हो जाएगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम है अमल कुमार हल्दर, पावर बापन इलेक्ट्रिक कंपनी का हम मैनेजर भी है। हार्दिक अभिनंदन प्रणाम ज्ञापन करते हुए ऑल जमशेदपुर ऑल्स मेंबर एंड नगरवासी को नमस्कार। पेंशन कैंप ऑर्गेनाइज्ड। A one-day pension camp have been organized in Dhuri Panchayat building, where according to the instructions of the Rajnagar government, pension camp has been set up in all the panchayat whose main aim is to get the benefit of the poor and women scheme, and no pensionable man and woman will be deprived of the scheme. Pension camp was organized in panchayat building of Rajnagar block, in which the head of the panchayat, Mr. Vishnu Hembram, was also present. A large number of widows and old women and also men have attended this program. In the same camp, many helpless men and women submitted their pension application form. The poor and helpless people have visited the government offices many times and also submitted the pension application in the forum in the Janata Darbar. But still they are not getting the pension because of these policies made the government schemes. Even today, the panchayat is sometimes submitting the application form to the Janata Darbar. But till today, they are not getting proper attention. क्या करने आए हैं यहाँ? विधवा पेंशन लेने। अच्छा, फॉर्म भर दिए आप? हाँ। बीपीएल सूची में नाम है आपका? एक दो कौन नहीं है। बीपीएल सूची में नाम नहीं है? नहीं है। ठीक। कारण से नहीं हो पा रहा, बहुत फिर भी नहीं हो रहा है हम लोग का बीपीएल सूची के कारण से। 2002 का बीपीएल सूची में गरीब आदमी का नाम ही नहीं है, इसीलिए इन लोग का नहीं हो रहा। हाँ, बहुत गरीब है। क्या नाम हुआ मैडम आपका? जस्मी टूटू। क्या है आप? मुखिया। AGIHM Institute of Hotel Management, registered by Government of India. क्राफ्ट कोर्स एवं डिप्लोमा कोर्स, प्रैक्टिकल क्लास की सुविधा एवं 100% जॉब प्लेसमेंट, करें अपने सपने को साकार। संपर्क करें SGIHM इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। करें अपने सपने को साकार। संपर्क करें SGIHM इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, 3rd फ्लोर, DH ट्रेड सेंटर, नियर राम मंदिर, ऑपोजिट बंधन बैंक।
बिस्टपुर जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 7004615405 एवं 9204579353। अपने सपने को साकार करने के लिए आज ही संपर्क करें SGIHM इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट।